दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाने के बड़े बड़े वादे करने वाले आम आदमी पार्टी के दावे आखिर कितने सच्चे हैं, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली के संगम विहार के लोगों में आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ काफी नाराजगी देखी जा सकती है। दरअसल जहां पर लोग आम आदमी पार्टी के खिलाफ काफी नाराजगी भी जाहिर कर चुके हैं। बता दें कि सड़क के पानी की समस्या को लेकर लोग अक्सर यहाँ पर परेशान रहते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब से केजरीवाल की सरकार आई है तब से सड़कों की हालत बद से बदतर हो गई। दरअसल संगम विहार में पीने का पानी एक महीने में सिर्फ एक बार आता है। सड़कों की हालत को लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि कुछ महीने पहले इस सड़क को सीवर की पाइपलाइन डालने के लिए खोदा गया था। कई महीने बीत गए लेकिन यहां किसी भी तरह की पाइपलाइन नहीं डाली गई। यहां रह रहे लोगों को हर रोज खराब सड़क, जगह जगह गड्ढे, बहते नाले के पानी जैसे समस्याओं से जूझना पड़ता है। पैदल चलने वाले यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। कभी कभी बाइक से जा रहे लोग इस गड्ढे पर फिसल कर भी गिर जाते हैं। बता दें कि संगम विहार इलाके की समस्या का मुद्दा दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच भी उठ चुका है। एलजी ने कॉलोनियों की दुर्दशा का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने कॉलोनी और झुग्गी बस्तियों की बदहाली के मुद्दे को लेकर एलजी पर राजनीति का आरोप लगाया था। दरअसल अभी कुछ दिन पहले मुख्य सचिव ने भी संगम विहार इलाके का दौरा किया था और अधिकारियों को फटकार भी लगाई थी। इसके बावजूद भी संगम विहार इलाके का विकास कार्य अधूरा है। जहां अरविंद केजरीवाल की सरकार इतने लंबे लंबे वादे करती है, उनकी असली जमीनी हकीकत की सच्चाई कुछ और ही है। वैसे केजरीवाल सरकार को लेकर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।